पेश है राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार की ओर से लागू 3 अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की धान मंडियों में हड़ताल रही। मंडी में किसी तरह का कामकाज नहीं हुआ। इस दौरान श्री गंगानगर कच्चा आढ़तिया संघ, नई धान मंडी मजदूर संघ व दी गंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कृषि जिंसों के क्रय विक्रय बाबत जारी अध्यादेश 2020 को वापस लेने की मांग की गई। राजस्थान के 129 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही अब वहां प्रशासक लगाए गए हैं। इनमें श्रीगंगानगर जिले की 8 और हनुमानगढ़ जिले की 5 स्थानीय निकाय भी शामिल है। कल जारी हुए सरकारी आदेश के बाद श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर, गतसिंहपुर, केसरी सिंहपुर, श्रीकरणपुर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, सादुलशहर, पदमपुर नगर पालिका में शुक्रवार से अधिशासी अधिकारी ही प्रशासक होंगे। इसी तरह हनुमानगढ़ जिले की संगरिया, नोहर, भादरा, रावतसर और पीलीबंगा नगर पालिका में भी आज से अधिशासी अधिकारियों ने प्रशासक का पद भी संभाल लिया है। श्रीगंगानगर जिले में कल जो 29 कोरोना रोगी मिले उनमें जिला मुख्यालय पर स्थित जिम का एक कर्मचारी भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जवाहरनगर, अग्रसेन नगर की एक जिम का ट्रेनर भी पॉजिटिव मिला है। इसके संपर्क वालों की संख्या अधिक हो सकती है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय का एक चिकित्सक और एक स्टाफ सदस्य भी पॉजिटिव आए हैं। CMHO गिरधारी लाल मेहड़ा ने बताया कि सभी नए रोगियों को जिला चिकित्सालय और कोविड सेंटर में शिफ्ट कर उपचार किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले की तलवाड़ा पुलिस ने बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ई मित्र संचालक से 5 लाख रुपए ठगने के मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रितु सुधार ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई सुशील कुमार गांव में ई मित्र का संचालन करता है। 26 मई को उसके पास आदित्य राज ने फोन कर सुशील को बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस की एवज में 10,000 रुपए अकाउंट में डालने को कहा। आरोपी ने 4 किश्तों में 5,10,000 रुपए हड़प लिए, बाद में फोन बंद कर लिया। श्रीगंगानगर जिले में शुक्रवार सुबह COVID-19 की जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इनमें श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 16 में 6 रोगी मिले हैं। इनमें 5 तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। श्रीकरणपुर के ही वार्ड नंबर 18 में 3 नए रोगी मिले हैं। एक रोगी सादुलशहर के वार्ड नंबर 13 में मिला है। श्रीकरणपुर के BCMO डॉक्टर जसवंत सिंह ने बताया कि आज जो 9 नए रोगी मिले हैं उन सभी के गृह क्षेत्र में सर्वे आदि गतिविधियां चलाई जा रही हैं। दोनों वार्डों में पॉजिटिव रोगियों के संपर्क वालों का पता लगाया जा रहा है। वहीं सादुलशहर के वार्ड 13 में जो पॉजिटिव रोगी मिला है उसकी जानकारी दोपहर तक BCMO को नहीं थी। BCMO डॉक्टर लक्ष्य सिंह ने बताया कि नया रोगी मिलने की चर्चा तो सुनी है लेकिन ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। श्रीगंगानगर जिले की समेजा कोठी और सादुलशहर थाना क्षेत्र से 2 युवतियां लापता हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अलग अलग गुमशुदगी दर्ज कर युवतियों की तलाश शुरू की है। समेजा कोठी पुलिस ने सोमवीर की रिपोर्ट पर उसकी बहन मंजू और सादुलशहर पुलिस ने मोहन सिंह की रिपोर्ट पर उसकी पुत्री राजू रानी की गुमशुदगी दर्ज की है। भारत जैसे युवाओं के देश को नशा मुक्त होने की जरूरत है। युवा नशा मुक्त होकर ही विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, तभी हमारा देश उज्जवल होगा। श्रीगंगानगर जिला स्काउट मुख्यालय में जिला आबकारी अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया ने नशा मुक्ति और कोरोना जागरूकता साइकिल हाइक को रवाना करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस अभियान के लिए साइकिल हाइक से गांवों में जा रहे रोवर स्काउट्स को सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। श्रीगंगानगर में गंग नहर की नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी और केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। गंगानगर किसान समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू ने बताया कि आज धरने पर समिति के चुनावड़ ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार सहारण के नेतृत्व में संतवीर सिंह चहल, बब्बू बराड़, बलदेव सिंह और बॉबी बरौड़ सहित अन्य बैठे। कोई भी भूखा न सोए, इस ध्येय के साथ राज्य सरकार की ओर से चलाई गई इंदिरा रसोई की योजना का शुरुआती रिस्पांस तो अच्छा बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 3 स्थानों पर संचालित रसोई घर से भोजन ग्रहण करने के लिए जरूरतमंदों की कतारें भी लगने लगी हैं। अभी योजना का दूसरा दिन ही है, इसलिए मात्र 8 रुपए में मिल रही दाल, सब्जी व रोटी की गुणवत्ता भी ठीक बताई जा रही है। वहीं बस स्टैंड के पास वाली रसोई में पीने के पानी आदि की समस्या को लेकर लोग आवाज भी उठाने लगे हैं। यहाँ छत से भी पानी टपकता रहता है। बस स्टैंड के पास अंध विद्यालय के बाहर और सूरतगढ़ रोड पर गौरव पैलेस के बाहर बनाई गई इंदिरा रसोई में भोजन ग्रहण करने के लिए माकूल बंदोबस्त दिखाई दिए। हनुमानगढ़ सदर थाना क्षेत्र में वकील की बाइक की टक्कर लगने से एक वृद्ध महिला घायल हो गई। उसके पति ने रिपोर्ट देकर टक्कर मारने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार मुंशी रामचरण ने रिपोर्ट देकर बताया कि वकील ने तेज गति से बाइक चलाकर उसकी पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध पत्नी घायल हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक कांस्टेबल की तत्परता से प्लंबर की जान बच गई। करंट लगने से बुरी तरह झुलसे प्लंबर को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटनाक्रम के अनुसार प्लंबर अशोक कुमार आज सुबह ड्रिल मशीन चलाने के लिए टाउन थाना परिसर में खंभे पर तार लगाने चढ़ा था। इसी दौरान करंट लगने पर झुलसकर वह नीचे पड़ी ईंटों पर जा गिरा। पहले करंट, फिर सिर में चोट लगने की वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित केंद्रीय कारागृह में कैदियों के बीच शुक्रवार सुबह फिर मारपीट हुई। इसी दौरान 3 कैदी घायल हो गए। दोपहर बाद उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया। आरंभिक जानकारी के अनुसार आज सुबह केंद्रीय कारागृह में कैदी किसी बात को लेकर झगड़ पड़े। मारपीट में 3 कैदियों को अधिक चोटें लगी। इन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया। जेल प्रभारी योगेंद्र सिंह के अनुसार जेल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में शुक्रवार को जैसर और रायसीनगर मंडी में भी हड़ताल रही। इस दौरान जैसर व्यापार मंडल की ओर से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी नायब तहसीलदार को सौंपा गया है। रायसीनगर हड़ताल के चलते आज धान मंडी में फसलों की कोई बोली नहीं हुई। धान मंडी के व्यापारियों ने बताया कि हड़ताल के चलते आज किसान अपने कृषि जिनसे लेकर भी धान मंडी में नहीं पहुंचे। हड़ताल के चलते लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार भी प्रभावित हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी शिक्षकों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए ऑडिट करवाई जा रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित मटका चौक में पिछले 5 दिन से विभाग के लेखाधिकारी ऑडिट कर रहे हैं। इनके सहयोग के लिए अनेक बाबुओं को भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ऑडिट के लिए अलग अलग ब्लॉक वाइज शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। शुक्रवार को भी ऑडिट के लिए श्रीकरणपुर ब्लॉक के शिक्षक लेखाधिकारियों के समक्ष पेश होने पहुंचे हुए थे। श्रीगंगानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लोगों के भारी विरोध के बावजूद मटका चौक सरकारी स्कूल के खेल मैदान में बनी पार्किंग फिलहाल बंद है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल रविंद्र पथ पर गोदारा कॉलेज की दीवार के साथ अस्थायी पार्किंग व्यवस्था की है। ट्रैफिक शाखा प्रभारी CI कुलदीप चारण ने बताया कि पूर्व में पार्किंग निःशुल्क थी, अब यहां लाइटिंग का कार्य करवाया जा रहा है। नगर परिषद पार्किंग स्थल का टेंडर करवा रही है, इसी कारण स्कूल मैदान में पार्किंग बंद है। एक सप्ताह में यहां पार्किंग वापस शुरू होने की संभावना है। श्रीगंगानगर में बरसाती पानी की निकासी न होने से शुक्रवार दोपहर को हनुमानगढ़ रोड पर एक टेम्पो पलट गया। गुरुवार को हुई बारिश का पानी 24 घंटे बाद भी इस मार्ग पर पसरा है, जिससे सड़क में गड्ढे बन गए हैं। इसी गड्ढे में गिरने से आज दोपहर एक टेम्पो पलट गया। राहगीरों ने चालक और सवारियों को संभाला। यातायात भार और इस सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पूर्व में कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।